और आधा दिन पूरी खबर में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, फडणवीस के घर एक घंटे से बैठक जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अजीत पवार और नए मंत्री बैठक में मौजूद है, जो बैठक पिछले एक घंटे से हो रही है। स्पीकर राहुल नार्वेकर भी फडणवीस के घर पर मौजूद है इस बैठक में। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, देवेंद्र फडणवीस के घर एक घंटे से यह बैठक चल रही है और अजीत पवार के अलावा नए मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीर इस वक्त देखिए, अजीत पवार जब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक घंटे से यह बैठक जारी है। साथ में आपको यह भी बता दें, अजीत पवार और नए मंत्री इस बैठक में मौजूद है, स्पीकर राहुल नार्वेकर भी फडणवीस के घर मौजूद है। तो महाराष्ट्र में जारी पॉलिटिकल ड्रामे के बीच ये अहम खबर आपको बता दें, प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में हैं, छगन भुजबल भी फडणवीस के घर इस वक्त मौजूद हैं। अश्विन इस वक्त हमारे सहयोगी देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर ही मौजूद है, जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अश्विन, बैठक इस वक्त चल रही है, एक घंटा हो चुका है, क्या जानकारी आपके पास इस बैठक से संबंधित? जी देखिए, पहले जो बैठक देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ चल रही थी, अब उस बैठक में करीब कुछ मिनट पहले ही पहुंचे हैं विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। आपको तस्वीर दिखाते हैं, इसी मेघदूत बंगले पर इस वक्त जो ऑफिशियल रेसिडेंस है देवेंद्र फडणवीस का, यहीं पर बैठक चल रही है। और इस बैठक में देखिए दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहला ये कि किस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाए, दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कि एनसीपी की तरफ से कल अजीत पवार समेत जो अन्य आठ लोग हैं, यानी कुल नौ लोगों के खिलाफ अयोग्यता का मामला जो पिटीशन है वो लेकर पहुंचे थे जो है जितेंद्र रावाड़ राहुल नार्वेकर के ऑफिशियल रेसिडेंस पर। राहुल नार्वेकर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनसे अपील की गई थी एनसीपी की तरफ से कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नौ विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। और अब यहाँ पर पहुंचे हैं राहुल नार्वेकर, जाहिर सी बात है चर्चा होगी, चूंकि अजीत पवार भी अंदर मौजूद है, वहां पर भी बातचीत होगी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सब जो है बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस के इस ऑफिशियल रेसिडेंस पे। इन दो मुद्दों पर फिलहाल बातचीत चल रही है कि जाहिर है कि अश्विन आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। जी